तुलु का जिक्र है, दूसरी जिसमें तुलु गुरु के वक्त भी, तुलु गुरु के वक्त जो है उन्हें जाकर ठहर जाता है, तो उसके दोनों सीयों के दरमियान सूरज गुरु होता है और सूरज तुलु होता है। इसलिए ये फरमाया कि तुम तुलु और गुरु की नमाज मत पढ़ो, ऐन तुलु के वक्त और ऐन गुरु के वक्त और ऐन इस्तवा के वक्त। तो लोग से जवाल के वक्त नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, जवाल के माने सूरज का ढलना है, नमाज तो जवाल के वक्त ही पढ़ी जाएगी, कहाँ है लोग समझ में नहीं आता, जवाल के माने क्या, हुकूमत का जवाल, ये उर्दू के तलबा था, जवाल का वक्त आ रहा है, जवाल का जल्दी नमाज पढ़ो, जवाल का वक्त, अरे जवाल के बाद ही नमाज पढ़ना है, कैसा क्या समझ में आ रहा है, उर्दू में इतना कॉमन लफ्ज आ गया, जवाल के माने क्या, हुकूमत का जवाल आ गया, हुकूमत का डाउनफॉल हो गया, तो सूरज उतर गया ना, अब नमाज पढ़ी जाएगी, आए इस्तवा की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, इस्तवा के माने बिल्कुल सीध में सूरज है तो उस वक्त नहीं पढ़ी जाएगी। तीन औकात नमाज पढ़ने से मना किया गया, हराम औकात नहीं, एक तो आयन तुलू क्या है अब मालूम है, तो अब यहाँ बैठ कर नहीं मालूम होता हमको, अब हम कभी जब सफ़र करते रहते देखते हैं सूरज गुरूब होता रहता है, आधा 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 गुरूब होता रहता है, इस तरह निकलता रहता है, थोड़ा थोड़ा निकलता रहता है, वो वक्त है जो उफ यानी ज़मीन और आसमान जहाँ मिलते हैं उसको उफ कहते हैं मालूम, तो उफ के किनारे पर आपको थोड़ा सा सूरज निकल रहा दिखता है थोड़ा, फिर थोड़ा 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 निकल पूरा निकल जाता है, अब वो वक्त है मकरू वक्त या वो हराम वक्त, आप देख रहे हैं थोड़ा किनारा निकला फिर आधा निकला पूरा निकल गया, हाँ तो वो वक्त जो है हराम वक्त, इस तरह डूबे वक्त देखते हैं थोड़ा पूरा डूब जाता। तो ये जो है हर इलाके का एरिया का अलग अलग है, वो चाटा देखो हमें सब कर रहे हैं भी, तो यहाँ एक्चुअल हमारा वक्त हमें निकालना है, उन्होंने हिसाब करें हिसाब से करें लेकिन 100% वो सही नहीं हो सकता। अब हमारा शहर का देख रहे हैं तो जाओ बुलंद मामा ठहर जाओ, क्या उपली ब्रुज है या गोलू मदर जाकर ठहर के देखो कब निकलता है मालूम होता है, उफ तो मालूम होता है इधर देखे निकल रहा है कब निकल रहा है, अगर सही है तो सही है, अगर नहीं है तो एक मिनट दो मिनट कुछ आगे पीछे होने वाला, इसलिए आगे पीछे पाँच मिनट मिला ले रहा हूँ, पाँच मिनट दस मिनट का जो ये मिला ले जा रहे हैं ना, ये इसी वजह से गड़बड़ हो रही सब लोगों की, उन्होंने ऐसा टाइम निकाले ऐसा टाइम निकाले, नहीं ये सब मिलाने और घटाने से वजह हो रहा है, एक्चुअल टाइम आपको आपको देखना है तो जाकर ठहर जाओ, बस सूरज निकल रहे जाकर ठहर देखो मालूम होता है निकल रहे थोड़ा किनारा निकला निकलते पूरा निकला, हाँ मालूम है तुलू हुआ, ये तुलू का टाइम हमारे मालूम, इस तरह ग्रुप के लिए भी देखो ठहर जाओ बुलंद मकाम ठहर जाओ, सूरज ग्रुप होते रहते हैं ग्रुप हुआ किनारा एकदम जब नजर आना बंद होगा, हाँ ये ग्रुप का वक्त, तो ये तुलू और ग्रुप के अवकात इस तरह से हैं, उन्होंने क्या करें वो हिसाब से निकालें, वो लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड के हिसाब से निकालें, वो तो 100% करेक्ट नहीं, वो भी सकते नहीं भी हो सकते, तो हम अपना यहाँ का कन्फर्म कर लेना, हम लोग हमको यहाँ का कन्फर्म करने के लिए तरीका ये है, बराबर जो है तुलू में जाकर ठहर जाओ, हाँ निकल रहे मालूम आप निकलते निकलते जब पूरा निकल गया, हाँ तुलू का वो सही है तो उसे सही समझो, नहीं है तो कितने मिनट फर्क है देख लो, मिलाना पड़ेगा उसके अंदर या कम करना पड़ेगा, इस तरह हुरूप का भी है, अगर रमजान मुबारक शुरू होने वाले तो जो है ये इसकी तस्दीक करना ज़रूरी, तो तुलू और हुरूप की बात है, तो उसके बाद जो है ऐन तुलू और ऐन हुरूप और इस्तवा के वक्त जो है नमाज पढ़ना हराम है, जवाल का वक्त पड़ी जाएगी, ये जवाल का वक्त है, जवाल क्या परेशान करते हैं, वो खास तो निकाह के अंदर जवाल का वक्त है, क्या करना जवाल के निकाह नहीं पड़ा ना, जवाल का उतार जी जल्दी निकाह पढ़ाओ, जवाल को उससे निकाह क्या था, जवाल और निकाह क्या है, जवाल के बाद तो नमाज पढ़ी जाएगी मालूम नहीं, जवाल के सूरत का ढलना कब नहीं पड़ी जाएगी, इस वक्त नहीं पड़ी जाएगी, बुनियादी बातें भी लोगों से मालूम नहीं जितना, और ये लफ्ज़ इतना कॉमनली यूज होता है हमारे पास, जवाल का वक्त, जवाल का वक्त आ रहे जी अभी, जवाल नहीं पढ़ना, जवाल नहीं पढ़े तो कब पढ़ना, जवाल के माने सूरज ढल गया, हदीस में ही है इज़ा ज़ालत शम्स, सूरज जब ढल जाता है वो कान जिल्लु रजली कतूली, जब तक ढल के उसके बाद जो है आदमी का साया एक गुना हो जाता है उस वक्त तक सूरज नमाज पड़ जाती है, साफ साफ हदीस के अल्फाज हैं, तो जवाल के माने सूरज का ढलना है, उस वक्त नमाज पढ़ी जाएगी, सूरज इस्तवा पर तो नहीं पढ़ी जाएगी। अच्छा बहुत सारे अभी हदीसें हैं आपके सामने आएंगी।